गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और इस बार की जो सर्दियाँ हैं ना, मतलब इतनी मस्त वाली सर्दी हो रही है ना इस बार। अभी दो दिन से मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, धूप आ रही है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी ना दिल्ली NCR में कि मतलब हालत ही ख़राब हो जाती है। और सर्दियों में जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। हमारी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, इतनी मतलब पैची पैची सा फील होने लगता है। स्किन में मतलब पैच लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, आपकी एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में ना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड, जिसे मैं शायद ही बोलूँगी क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं इसे कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक कुछ 12 से 15 सालों से इस क्रीम को यूज़ करती आ रही हूँ। और मैं इतना सेटिस्फाइड थी ना इस क्रीम के रिज़ल्ट से कि मैंने आज तक अपना विंटर मॉइस्चराइजिंग क्रीम किसी और क्रीम को, मतलब मैंने इसको चेंज ही नहीं किया। मैं इसी क्रीम को पिछले 12 से 15 साल आप सोच सकते हैं मैं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके स्किन को जो चीज़ सूट करती है ना, तो आपको उसको फ्रीक्वेंट चेंज नहीं करना चाहिए। मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपना आपको एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे मेरी स्किन नॉर्मल है, मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट स्टिल अगर मुझे मेरी स्किन के लिए कोई भी चीज़ सूट करती है ना, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसी को इस्तेमाल करूँ। मैं ब्रांड के पीछे नहीं भागती, मैं कॉस्ट के पीछे नहीं भागती, या फिर आए दिन मार्केट में डे टू डे बेसिस पे कोई ना कोई क्रीम लॉन्च होती रहती है, तो मैं उनके पीछे नहीं भागती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि मेरी स्किन को क्या सूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्रोडक्ट चूज़ करती हूँ। जब भी मुझे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेनी होती है ना, तो मेरा हाथ सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पास जाता है। मैं सिर्फ एक वही प्रोडक्ट मांगती हूँ। वो मुझे कितने प्रोडक्ट्स दिखाते रहते हैं कि ये फलाना ढिमकाना, ये ब्रांड वो ब्रांड। मैं कहती हूँ नहीं भैया, आप मुझे ये वाला प्रोडक्ट दे दो, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस वाली। तो आज की इस वीडियो में ना, मैं आपके साथ एक क्रीम का रिव्यू शेयर करूँगी, जिसे मैं सिर्फ इसलिए नहीं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे ये वीडियो बनाना है कि मैं मार्केट गई और मैंने 10-15 दिन उस क्रीम को यूज़ किया और मैं उसका आपके साथ प्रोडक्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ, बल्कि मैं ये क्रीम का रिव्यू आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये इस प्रोडक्ट से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और ये है वो क्रीम, पॉन्ड्स गोल्ड क्रीम, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये आता है, वाइट एंड ब्लू। अब तो इसके काफ़ी वेरियंट निकल के आ चुके हैं, बट मैंने अभी उनको ट्राई नहीं किया है। तो इसका जो सबसे छोटा पैक आता है, वो आता है 55 ml का, विच कॉस्ट यू अराउंड 75 or 80 रुपीज़। एग्जैक्ट प्राइस मैं मेंशन कर दूँगी, वो भी वेरी कर सकते हैं। आप लोकल डीलर से खरीदते हैं, लोकल कॉस्मेटिक शॉप से खरीदते हैं, या आप ऑनलाइन से खरीद सकते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस मिल सकता है। और मेरे पास ये जो पैक है ना, ये 102 ml का पैक है और ये मुझे कुछ कॉस्ट करा था अराउंड 140 रुपीज़। तो ये आती है बात इसकी पैकेजिंग की। तो अब बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर की। तो आप देख सकते हैं इसकी स्मेल ना बहुत अच्छी है। तो ये है इसका टेक्सचर, ये कुछ वाइट कलर का क्रीमी टेक्सचर में आता है इस तरीके के। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बहुत थिक है, बहुत थिक फील होती है इसकी कंसिस्टेंसी आपको। तो अब इसकी बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट की। तो ये जो पॉन्ड्स गोल्ड क्रीम है ना, ये ना तो सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, बल्कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन बाय मेंटेनिंग द मॉइस्चर। और इट ऑल्सो नरिश योर स्किन एंड प्रोटेक्ट योर स्किन इन विंटर। एज पर कंपनी, दिस प्रोडक्ट इज इन्फ्यूज्ड विद ग्लिसरीन, जो आपको ना अंदर से काफ़ी सॉफ्ट करता है और बाहर से, जिससे आपकी स्किन बाहर से काफ़ी ग्लो करती है। और इसके अलावा, और ग्लिसरीन के अलावा, इसमें कुछ अदर 10 स्किन न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वो आप स्क्रीन में मैं मेंशन कर दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये प्रोडक्ट ना आपकी ड्राई स्किन को बहुत सॉफ्ट करता है, जिससे विंटर्स में आपकी स्किन ड्राई फील नहीं होती, खिंची खिंची फील नहीं होती, आपको पैचेस लाइंस नहीं दिखाई देती हैं इससे। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके की स्किन को ये सूट करता है। तो देखिए, एज पर कंपनी, दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, बट ये मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस जो मैं बता रही हूँ आपको, ये हर स्किन टाइप का सूट नहीं करता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल से थोड़ी सी ड्राई स्किन भी है, तब भी आपके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी सेंसिटिव स्किन है, पिंपल प्रोन स्किन है, तो आप इस क्रीम को अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, तो आप सोच सकते हैं कि जब आप इतनी थिक क्रीम अपने ऑयली फेस पे लगाएंगे, तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली लगेगी, बहुत ज़्यादा यू नो शाइनी सी फील होगी आपको, मतलब
पूरे दिन ऐसा लगेगा कि आपने अपने फेस में कुछ शाइन शाइन सा कुछ लगाया हुआ है, मतलब बहुत ऑयली ऑयली सा कुछ फील लगाया हुआ है। एक तो पहले ही आपकी स्किन ऑयली, ऊपर से आप अपना थिक टेक्सचर वाला आप क्रीम लगा लोगे तो सोच सकते हो आपकी स्किन का क्या हाल होगा। बट अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मार्केट में जो इसका बहुत छोटा वाला पैक आता है ना, आप उसको ट्राई कीजिए। और जो आप क्रीम अपने फेस पे इस्तेमाल करेंगे वो बहुत स्मॉल अमाउंट में उसको यूज़ कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने इसको इतने सालों से इस्तेमाल किए हैं, ये क्रीम ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है। देखिए, मेरी स्किन ना नॉर्मल है तो मेरे स्किन टाइप के लिए ये सूट करता है। मैं जब भी इसे इस्तेमाल करती हूँ ना तो ये क्रीम को ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जबकि ये ड्राई हो जाता है ना तो मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग हो जाती है ना। तो जिन लोगों की स्किन मेरी तरह है और वो लोग इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं तो वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं। बट अगेन, दिस इज़ नॉट फॉर ऑयली स्किन एंड इट इज़ ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मैं दिन में इसको शायद एक बार मॉर्निंग में इस्तेमाल करती हूँ और रात में इस्तेमाल कर लेती हूँ सोने से पहले। और मतलब मुझे पूरे दिन में इसको सिर्फ दो ही बार इस्तेमाल करने की जरूरत है। अदरवाइज़ अगर आप बाकी क्रीम को देखेंगे ना, वो बहुत पतली क्रीम होती है, बहुत लाइट होती है, तो आप उसको दिन में कम से कम 4 से 5 बार इस्तेमाल करते हैं या 3 से 4 बार ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन इस क्रीम को मुझे बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ओवरऑल आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस क्रीम टू दोज विद नॉर्मल टू ड्राई स्किन ओनली। अगेन, ऑयली स्किन वालों के लिए क्रीम अ बिग नो नो फ्रॉम माई साइड। सो दैट इज़ इट गाइज। आई होप आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप। मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।